फ्रेंड्स, आज हम लोग ग्रामर सेक्शन के डू एज डायरेक्टेड पार्ट में एक क्वेश्चन आता है रिमूव टू, आज हम लोग उसी विषय पे बात करेंगे और हम लोग ये भी जानेंगे कि ये जो रिमूव टू होता है इसको सिक्स वे में आपसे क्वेश्चन किया जाता है, छह तरीके से। वो कौन कौन? ओमिट टू, अच्छा उसका भी जवाब एक ही होगा, ओके उसका भी आंसर एक ही होता है, और चेंज इनटू नेगेटिव सेंटेंस, ओके उसका भी क्वेश्चंस का आंसर एक ही होगा, और चेंज इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ओके और यूज सो दैट यूज, है ना, उसका भी क्वेश्चंस का आंसर एक ही होगा, और यूज रिलेटिव क्लॉज। और ये छह तरीके से जो क्वेश्चंस करते हैं उसका आंसर एक ही होता है, और अब हम लोग देखेंगे उसको एग्जाम्पल के तौर पे, ओके कि एग्जाम में किस तरह से वो पूछा जाता है। तो इसको पहले हम लोग प्रेजेंट फॉर्म में देखेंगे, ओके जैसे सेंटेंस है यू आर टू यंग टू ज्वाइन द सर्विस। आप यहां पर डबल टू देख रहे हैं, कैसे? एक है जो टी डबल ओ टू है और एक टी ओ टू है, ओके इसी के लिए लास्ट में क्वेश्चन किया जाता है। आप यहां पर देखोगे लास्ट में क्वेश्चन क्या रहता है, रिमूव टू, मतलब इस टू को हटाओ, या ओमिट टू, या मतलब इसी तरीके से वो सिक्स क्वेश्चंस किए जाते हैं। तो आइए हम लोग देखेंगे इसका आंसर क्या होता है और पहले इसका मतलब समझेंगे। You are too young to join the service, कि आप इतने यंग हो, मतलब इतने छोटे हो कि अभी आप सर्विस नहीं कर सकते, इसका ऑटोमेटिकली इसका नेगेटिव सेंस ही होता है, ओके तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? You are, अब ये दोनों टू जो है हट जाता है, उसके जगह पर लिखते हैं हम लोग यू आर सो यंग, आप इतने यंग हो दैट यू कैन नॉट ज्वाइन द सर्विस, कि आप सर्विस ज्वाइन नहीं कर सकते। तो क्या चेंजेस हुआ, हम लोगों ने डबल टू को हटाया और उसके जगह पर सो लगाया और दैट लगाया और क्या किया, इसको कैन नॉट कर दिए, नेगेटिव फॉर्म में चेंज कर दिए, ओके एक और एग्जांपल हम लोग देखेंगे। आई एम टू टायर्ड टू डू दिस वर्क, मैं इतना थका हूं कि मैं इस काम को नहीं कर सकता हूं, ओके तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आई एम सो टायर्ड दैट आई कैन नॉट डू दिस वर्क, ओके और द वुमन इज टू प्राउड टू बेग, इसको कैसे बनाएंगे, द वुमन इज सो प्राउड दैट सी कैन नॉट बेग। लेकिन हम लोग ये जानेंगे कि वो जो सिक्स क्वेश्चंस मैंने बताया कि ये पूछा जाता है उसका कैसे हुआ, इसका आंसर कैसे हुआ, ओके तो पहला क्वेश्चन मैंने क्या बोला कि रिमूव टू, तो आप इन तीनों एग्जांपल्स में अगर देखोगे तो यहां अब टू नहीं है, मतलब हम लोगों ने हटा दिया, या ओमिट टू, उसका भी मतलब सेम होता है कि टू को हटाओ, तो हमने हटा दिया। दूसरा क्वेश्चन था कि चेंज इनटू नेगेटिव सेंटेंस, तो फ्रेंड आप यहां देख सकते हो कि ऑलरेडी जो लास्ट सेंटेंस यूज किया गया, यू आर सो यंग दैट यू कैन नॉट ज्वाइन द सर्विस, कैन नॉट, ये ऑलरेडी नेगेटिव हो गया, ओके अब एक और क्वेश्चन है कि चेंज इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, तो ये कैसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हुआ, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के लिए एक प्रिंसिपल क्लॉज चाहिए और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज चाहिए, तो यहां पर मैं दिखाऊं तो यू आर सो यंग, ये क्या है, प्रिंसिपल क्लॉज, दैट यू कैन नॉट ज्वाइन द सर्विस, वो क्या हुआ, सबऑर्डिनेट क्लॉज, तो ये प्रिंसिपल और एक सबऑर्डिनेट मिलकर के ये ऑलरेडी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ही बना, ओके और एक और क्वेश्चन किया जाता है, एक और क्वेश्चन तरीके से पूछा जाता है कि सो दैट, यूज सो दैट, आप देखिए आपने ऑलरेडी सो दैट का इस्तेमाल किया है यहां पर, ओके तो इसलिए मैं बोल रहा था कि वो सिक्स क्वेश्चंस अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं लेकिन उसका जवाब जो होता है वो सेम होता है। तो ये हुआ प्रेजेंट फॉर्म और इसी का हम लोग पास्ट फॉर्म को देखेंगे, ओके और पास्ट में जैसे द मैन वॉज
too weak to walk. आदमी इतना कमजोर था कि चल नहीं सकता था. ओके तो इसको कैसे बनाएंगे? The man was so weak that he could not walk. यही differences है friend. Present में क्या होता है? Is, am, are रहने से यहां can लगता है. चूंकि यहां पर क्या है? Past है. Was या were जब होगा तो यहां पर हम लोग can की जगह could कर देते हैं. That is, इसको भी हम लोग past form में लेकर के चले जाएंगे. कैसे? The tree was too high to climb. तो the tree was so high that it could not be climbed. Okay, could not be climbed. Okay, जैसे government was too strict to remove the ban then. और इसको कैसे सॉल्व करेंगे? The government was so strict that it could not remove the ban then. ओके तो इस तरह से हम लोगों ने रिमूव टू को समझा. हालांकि इसको सिक्स तरीके से क्वेश्चन किया जाता है. क्या क्या मैंने बोला था? कि रिमूव टू, ओमिट टू, यूज सो दैट, चेंज इनटू नेगेटिव सेंटेंस, चेंज इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, है ना. तो इस तरह से इन सब का जवाब एक ही होता है. और मैंने दोनों समझाया आप लोगों को, प्रेजेंट फॉर्म भी और पास्ट फॉर्म भी. मुझे उम्मीद है आप लोगों को जरूर समझ में आया होगा. थैंक यू.